हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई के विजिट वीजा से रिलेटेड। एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। क्या है अपडेट, जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा अभी जो इस समय पे अवेलेबल है वो है 30 डेज का और 60 डेज का। स्पेशल केसेस में 90 डेज का विजिट वीजा इस समय पे अवेलेबल है। आप 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज तीनों विजिट वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हैं अगेन फॉर 30 डेज एंड 60 डेज के लिए। यानी कि एक्सटेंशन अगर आप करवाते हैं तो आपको बाय एयर ट्रांसफर होना पड़ेगा और एग्जिट एंट्री करके 30 डेज और 60 डेज दोनों विजिट वीजा को फिर से एक्सटेंड करवा सकते हैं, या अपने होम कंट्री भी एग्जिट करके दूसरे विजिट वीजा में आप लोग आ सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फीस के बारे में, यानी कि कितना प्राइस है इस समय विजिट वीजा, मैंने पहले ही अपडेट दे चुके हैं। लेकिन आज जो अपडेट आ रहा है, ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि पहले ही अपडेट आ चुका है, लेकिन अभी इसको कंफर्म कर दिया गया है और सारे ट्रैवल एजेंट्स के पास भी भेज दिया गया है नोटिस कि अभी जो विजिट वीजा में लोग आ रहे हैं या नए जो विजिट वीजा इशू होंगे उसमें अब कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। एक भी दिन का ग्रेस पीरियड आपको नहीं मिलेगा। 30 डेज यानी 30 डेज, 60 डेज यानी 60 डेज, 90 डेज यानी 90 डेज। लास्ट डे आपको एग्जिट करना ही करना होगा। अगर आप लोग लास्ट डे एग्जिट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे से ही आपके ऊपर ओवरस्टे का फाइन लग सकता है। पिछले वीडियोस में मैंने जैसे बताया था कि किसी किसी को 10 डेज का ग्रेस पीरियड मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इसको टाइपिंग सेंटर से या किसी भी ट्रेवल एजेंट से अपना वीजा देके चेक करवा सकते हैं कि आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहुत लोगों का मुझे सुनने में आया था कि 10 दिन का ग्रेस पीरियड उनको मिला है, लेकिन अब जो वीजा इशू होंगे या इस समय से सारे ग्रेस पीरियड को बिल्कुल से बंद कर दिए गए हैं। तो जो लोग भी इस समय पे विजिट वीजा में दुबई में मौजूद हैं या यूएई में कहीं भी मौजूद हैं, वो लोग ग्रेस पीरियड का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, क्योंकि ग्रेस पीरियड अब आपने नहीं मिलने वाला है। हर किसी के पास नोटिस है, जितने भी ट्रैवल एजेंट से आप लोग पूछ सकते हैं, जिनसे आपने वीजा लिया है उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप कोई भी ग्रेस पीरियड आपको नहीं मिलने वाला है। 10 दिन का ग्रेस पीरियड जो है वो पूरा पूरी बंद कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। पहले क्या हो रहा था कि दुबई का वीजा है, दुबई से एग्जिट कर रहे थे, 2-3 दिन ओवरस्टे हो जाने पर आपके ऊपर फाइन नहीं लग रहा था। इस समय वो भी बंद कर दिया गया है। दुबई का वीजा हो, दुबई से एग्जिट कीजिए, अबूधाबी का वीजा है, अबूधाबी से एग्जिट कीजिए, या कहीं से भी आप एग्जिट कीजिए, आपको विजिट वीजा में कोई भी ओवरस्टे नहीं मिलेगा। तो ध्यान से आप लोग रहिए, जो भी आपका लास्ट डे होता है 30 डे, 60 डे, 90 डे, तो उसमें आप एग्जिट कर जाइए या फिर एक्सटेंशन कराने के लिए भी आपको एग्जिट करना होगा, इसको ध्यान में रखिए। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।